देखिए स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे एसिड बेस, ठीक है, एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर था बीएससी सेकंड ईयर का। तो वहाँ पे अपन ने जो एजलीय विलायक थे, उस यूनिट का सेकंड पार्ट था एजलीय विलायक, वो अपन पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट अपन पढ़ रहे थे, विलायकों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, ठीक है। वहाँ पे अपन ने पढ़ लिया था प्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट, फिर प्रोटिक सॉल्वेंट को अपन ने आगे क्लासीफाई कर लिया था एसिडिक, बेसिक, एम्फ्यूटेरिक पढ़ा था ऐसे, प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक करके। फिर अपन ने आगे पढ़ा लिया था और एक्वस, नॉन एक्वस सॉल्यूशन अपन ने पढ़ लिया था। फिर विलायकों के विशिष्ट गुण अपन ने पढ़ लिए थे कि उनमें द्विध्रुवीय गुण कितना होता है, उनका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको आप प्रविद्युतांक कहते हैं वो क्या कहते हैं, विलायक किसी से क्रिया नहीं करना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी मतलब क्षांता, ये बहुत सारे 5 पॉइंट अपन ने वहाँ पर डिस्कस कर लिए थे अच्छे से। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं अपना इसमें अगला टॉपिक है, एक सेकेंड, जिसका नाम है आपका, बोलो क्या, हाँ, लेवलिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट। लेवलिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट, हिंदी में ना बड़ा अटपटा है इनका, सम आयनन एवं विषम आयनन विलायक, या फिर सम आयनन एवं विषम आयनन प्रभाव, हिंदी वाला ना बड़ा अटपटा है। इंग्लिश में आप इसको याद रखोगे, लेवलिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट। लेवलिंग कहते हो ना, लेवल आ गया, लेवल पे आ गया कोई भी चीज़, एंड डिफ्रेंशिएटिंग मतलब अंतर करने वाला। तो कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो सबको समान रूप से देखते हैं, कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, सबको एक ही दर्जा देते हैं, सबको एक ही लेवल पर रखते हैं, और कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं सबको, नहीं भाई तू स्ट्रॉन्ग है तू वीक है। तो वो डिपेंड करता है ऐसे कौन से, जो ऐसे सॉल्वेंट होंगे जो किसी भी एसिड की एसिडिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है, तो ऐसे सॉल्वेंट क्या कहलाएंगे आपके, डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट कहलाएंगे। और ऐसे सॉल्वेंट जो एसिड और बेस की स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्गनेस और वीकनेस, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, सबका व्यवहार एक जैसा होता है, तो ऐसे सॉल्वेंट क्या कहलाएंगे आपके, लेवलिंग सॉल्वेंट कहलाएंगे। समझ में आ गया क्या, फिर से सुनो, कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जिनमें आप चाहे एसिटिक एसिड को डालो, चाहे HCl को डालो, चाहे H2SO4 को डालो, सबकी एसिडिटी सेम रहती है। सबकी एसिडिटी क्या रहती है, सेम रहती है, मतलब ना तो कोई स्ट्रॉन्ग होता ना कोई वीक होता, सब एक जैसे व्यवहार करते हैं, तो ऐसे सॉल्वेंट क्या कहलाएंगे, लेवलिंग सॉल्वेंट। मतलब वो डिफ्रेंशिएट नहीं करे, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे, वो आपको सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि सब एक जैसे हैं हमारे लिए, हमारे लिए सब बराबर हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई मोटा है ना कोई पतला है, सब कैसे हैं एक समान, हम सबको एक नज़र से देखते हैं, तो ऐसे सॉल्वेंट क्या कहलाएंगे आपके, लेवलिंग सॉल्वेंट कहलाएंगे, ठीक है। और ऐसे सॉल्वेंट जो आपको पता है डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि नहीं भाई तू स्ट्रॉन्ग है तू वीक है, तू मोटा है तू पतला है, अरे मतलब मोटा पतला मतलब स्ट्रॉन्ग वीक, ठीक है। तो ऐसे सॉल्वेंट क्या कहलाएंगे आपके, डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट, और इसको कहते हैं लेवलिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं, लेवलिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग इफेक्ट। तो हेडिंग डालोगे आप, हेडिंग डालोगे, लगा लो हेडिंग, लगाओ लेवलिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट, या फिर आप कह सकते हो इफेक्ट, ठीक है भाई, लेवलिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट या फिर इफेक्ट आप कह सकते हो, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको सम आयनन एवं विषम आयनन विलायक या फिर प्रभाव, ठीक है। पानी है, पानी में आपने एक तो HI को डाला, एक HF को डाला, एक HCl को डाला, एक HNO3 को डाला, एक HClO4 को डाला, एक H2SO4 को डाला, सबको डाल के देखा तो पानी ने कह दिया नहीं भाई, नहीं हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हम सबको एक ही दर्जा देंगे कि सब क्या हैं, एसिड हैं, सब क्या हैं, एसिड हैं, एक जैसे एसिड है, सब H+ डोनेट करते हैं पानी में, तो ना कोई हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है ना कोई हमारे लिए वीक है। तो इस वाले केस में पानी किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए लेवलिंग सॉल्वेंट, सम आयनन विलायक की तरह पानी आपके कार्य करेगा,
समझ में आ गया। और अगर ऐसा भी लाइक हो जो नहीं भाई, हम तो सेपरेट करेंगे दोनों को, स्ट्रॉन्ग को अलग वीक को अलग, तो वो क्या कहलाएंगे आपके, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट कहलाएंगे। तो डेफिनेशन आप लिखोगे मेरे साथ, डेफिनेशन आप लिखोगे, लिखो, लिखना भाई। वे भी लायक जिनमें, वे भी लायक जिनमें विभिन्न अम्लों के, वे भी लायक जिनमें विभिन्न अम्लों के आपेक्षिक सामर्थ्य की तुलना, वे भी लायक जिनमें विभिन्न अम्लों के, वे भी लायक जिनमें विभिन्न अम्लों के आपेक्षिक प्रबलता के क्रम की तुलना नहीं की जा सकती, आपेक्षिक प्रबलता के क्रम की तुलना नहीं की जा सकती, क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं आपके, वेरी गुड, सम आयनन विलायक कहलाते हैं। ठीक है, फटाफट रिपीट कर देता हूँ। वे विलायक जिनमें विभिन्न अम्लों की आपेक्षिक प्रबलता के क्रम की तुलना नहीं की जा सकती, सम आयनन विलायक कहलाते हैं। अर्थात, अर्थात ऐसे विलायक जिनमें, अर्थात ऐसे विलायक जिनमें सभी अम्ल समान प्रबलता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ऐसे विलायक जिनमें सभी अम्ल समान प्रबलता प्रदर्शित करते हैं, ऐसे विलायक जिनमें सभी अम्ल समान प्रबलता प्रदर्शित करते हैं क्या कहलाते हैं, समान विलायक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सम आयनन विलायक कहलाते हैं। ठीक है, तथा इस प्रभाव को, तथा इस प्रभाव को सम आयनन प्रभाव कहते हैं, ठीक है भाई, ठीक है, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लिखो, H2O में, H2O में, HI, HCl, HNO3, H2SO4, HClO4 आदि आदि पूर्ण वियोजित रहते हैं, आदि पूर्ण वियोजित रहते हैं, अतः सभी प्रबल अम्ल हैं, अतः सभी क्या हैं, प्रबल अम्ल हैं। ध्यान रखना भाई, जो आपका पानी है उसमें ये सब 100% कम्प्लीटली डिसोशिएट कर जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि पानी में ये सारे एसिड कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। पानी यहाँ पे किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, बैठा दिमाग में, वेरी गुड, लिख लो। सभी प्रॉब्लम है, इसके विपरीत, इसके विपरीत ऐसे विलायक, इसके विपरीत ऐसे विलायक जिनमें सभी अम्लों के, सभी अम्लों की आपेक्षिक प्रबलता, आपेक्षिक प्रबलता की व्याख्या की जा सकती है, क्या कहलाती है, क्या क्या की जा सकती है, विषमायन विलायक कहलाते हैं। ठीक है भाई, विषमायन विलायक कहलाते हैं, बैठ गया दिमाग में।
ऐसे विलायक जिनमें सभी अम्लों के आपेक्षिक सामर्थ्य की तुलना की जा सकती है, भाई कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, तो ऐसे विलायक क्या कहलाएंगे आपके? डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे आपके? डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट कहलाएंगे। लिख लो। इसके विपरीत वे विलायक जिनमें विभिन्न अम्लों की आपेक्षिक प्रबलता की व्याख्या की जा सकती है, आपेक्षिक प्रबलता की व्याख्या, आपेक्षिक प्रबलता की व्याख्या की जा सकती है, क्या कहलाते हैं? विषम आयनीय विलायक कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात जिनमें विभिन्न अम्लों की प्रोटॉन देने की क्षमता, अर्थात जिनमें विभिन्न अम्लों के प्रोटॉन देने की सामर्थ्य, पोस्ट में लिख लो क्षमता, अर्थात जिनमें विभिन्न अम्लों की प्रोटॉन देने की सामर्थ्य या फिर तुलना, सॉरी क्षमता में अंतर किया जा सकता है, विभिन्न अम्लों के प्रोटॉन देने की सामर्थ्य में अंतर किया जा सकता है। अरे कोई अम्ल प्रोटॉन जल्दी देगा, कोई अम्ल प्रोटॉन धीरे देगा, तो जो जल्दी देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो धीरे देगा वो वीक एसिड होगा। ठीक है, अर्थात जिनमें विभिन्न अम्लों के प्रोटॉन देने की सामर्थ्य, प्रोटॉन देने की सामर्थ्य में अंतर किया जा सकता है, विषम आयनीय विलायक कहलाते हैं, विषम आयनीय विलायक कहलाते हैं, तथा विलायक के इस प्रभाव को विषम आयनन प्रभाव कहते हैं, तथा विलायक के इस प्रभाव को क्या कहते हैं? विषम आयनन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अगली लाइन से लिखना, फिर एग्जांपल लिख देंगे इसके। लिखना सामान्यतः, नेक्स्ट लाइन से लिखना, सामान्यतः जब अम्ल, सामान्यतः जब अम्ल तथा विलायक की प्रोटॉन देने की सामर्थ्य में अंतर अधिक होता है, भाई आपके पास एक तो विलायक है और एक क्या है? अम्ल है। अब दोनों में से प्रोटॉन देने की सामर्थ्य में बहुत ज़्यादा अंतर है, विलायक की प्रोटॉन देने की सामर्थ्य बहुत कम है और अम्ल की प्रोटॉन देने की सामर्थ्य बहुत ज़्यादा है, तो अंतर ज़्यादा है ना, तो वहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ठीक है, लिखना सामान्यतः जब अम्ल तथा विलायक की प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति में बहुत अधिक अंतर होता है तो विलायक सम आयनन प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो विलायक सम आयनन प्रभाव प्रदर्शित करता है। समझना इस बात को, आप एक तो पानी हैं और एक ये अम्ल हैं। अब आपको अच्छे से पता है कि इन अम्लों की प्रोटॉन देने की जो सामर्थ्य होती है, जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, वो ज़्यादा होती है किससे? पानी से। पानी की तो बहुत कम होती है। वाटर इज वीकेस्ट इलेक्ट्रोलाइट, नॉट वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीकेस्ट इलेक्ट्रोलाइट। पानी दुर्बलतम विद्युत अपघट्य है, दुर्बल नहीं है। ठीक है, तो जो वाटर है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ना, वीकेस्ट इलेक्ट्रोलाइट है, वीक से भी वीक है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है प्रोटॉन देने की कैपेसिटी में। एक तो पानी एच प्लस दे, एक एसिड एच प्लस दे, बोलो भाई। ठीक है, तो प्रोटॉन देने की जो टेंडेंसी है, जो कैपेसिटी है, उसमें बहुत ज़्यादा क्या है? डिफरेंस है, अंतर है। तो ऐसे वाले विलायक वहाँ पे कौन सा बिहेव करेंगे? सम आयन लेवलिंग सॉल्वेंट का बिहेव करेंगे। क्यों? अरे पानी में आप चाहे HCl को डालो, चाहे HCl को डालो, HCl को किसी को डालो, इन सब की प्रोटॉन देने की टेंडेंसी या कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो पानी में तो सब कैसे होंगे? लेवलिंग होंगे, क्योंकि पानी की तो प्रोटॉन देने की टेंडेंसी इन सब से क्या है? कम है। तो पानी में ये सब कैसे करेंगे? एज ए लेवलिंग सॉल्वेंट बिहेव करेंगे। बैठा दिमाग में, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, चलो लिखना दोबारा से, स्टार्ट लिख लो। सामान्यतः जब अम्ल तथा विलायक की प्रोटॉन देने की प्रवृत्ति में बहुत अधिक अंतर होता है तो विलायक सम आयनन प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, जबकि स्टार लग रहा है ना भाई, जबकि अम्ल व विलायक की प्रोटॉन बंधुता या फिर प्रोटॉन देने की सामर्थ्य में, जबकि अम्ल व विलायक की प्रोटॉन देने की सामर्थ्य में कम अंतर होने पर विलायक विषम आयनन प्रभाव प्रदर्शित करता है, जबकि अम्ल व विलायक की प्रोटॉन देने की सामर्थ्य में कम अंतर होने पर विलायक विषम आयनन प्रभाव प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब लिखो एग्जाम्पल, H2O में H2O में HCl, HI,
HNO3, H2SO4, HClO4, HIO4, क्योंकि H2O में HCl, HI, H2SO4, HNO3, HClO4, HIO4 आदि प्रबल अम्लों की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि इन अम्लों एवं H2O की प्रोटॉन बंधुता में क्योंकि इन अम्लों एवं H2O की प्रोटॉन देने की सामर्थ्य में अंतर अधिक होता है। ठीक है भाई, अंतर अधिक होता है, जबकि एसिटिक अम्ल विषमांजन प्रभाव प्रदर्शित करता है। ध्यान रखना भाई, पानी तो यहाँ पे कैसा प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है, समायनन। ठीक है, पानी यहाँ पे कौन सा सॉल्वेंट की बिहेव कर रहा है, एज ए लेवलिंग सॉल्वेंट की तरह, लेकिन जो एसिटिक एसिड है ना, उस एसिटिक एसिड में इन एसिड्स की एसिडिटी डिफरेंट होती है, तो वहाँ पे डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट आप उसको कहोगे। लेकिन एसिटिक अम्ल में लिखना, जबकि एसिटिक अम्ल विषम आयन प्रभाव प्रदर्शित करता है, क्योंकि एसिटिक अम्ल व H2O की प्रोटॉन बंधुता में कम अंतर होता है, ठीक है, एक ऑर्डर आप याद रखोगे, लिखना। नेक्स्ट लाइन लिख लो, अम्लों की प्रबलता का क्रम, सबसे आगे आएगा HClO4, तेन आएगा HI, तेन आपका आएगा HBr, देन H2SO4, देन HCl, देन HNO3। आपको कोई पूछ ले HF, HCl, HBr, HI में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, सर HCl, क्योंकि हमने HCl को सुना है लैब में, वही देखते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HI, क्लास 11 में आप पढ़ के, दो रीजन है इसके, एक तो क्या कि H+ डोनेट होने के बाद में जो पीछे NN बचता है वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा आपका एसिडिक उतना स्ट्रॉन्ग होगा, तो H+ डोनेट करने के बाद में जो I-NN बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इस वजह से HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, ध्यान रखना। HCl और HF से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन, HI, याद रखना इस बात का। तो ये आपका ऑर्डर हो गया, याद रख सकते हो आप इसको। अतः HClO4, अतः HClO4 एसिडिक अम्ल विलायक में, अतः HClO4 एसिटिक अम्ल विलायक में क्या है, कुछ नहीं है सर, प्रबल अम्ल है, एसिटिक अम्ल विलायक में प्रबल अम्ल है, अतः HClO4 एसिटिक अम्ल विलायक में, HClO4 एसिटिक अम्ल विलायक में प्रबल अम्ल है, जबकि HNO3 एसिटिक एसिड विलायक में क्या है, दुर्बल अम्ल है, याद रखना भाई ऐसे क्वेश्चन, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, इस ऑर्डर के आधार पे क्या है अपन ने, दुर्बल अम्ल है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपका लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट खत्म हो गया भाई। ठीक है, हेडिंग डालोगे आप स्वतः आयनन या वियोजन, ये आपका खत्म हो गया, याद रखना इन चीज़ों को। ठीक है, हेडिंग डालोगे स्वतः आयनन या वियोजन, सेल्फ आयनाइजेशन और डिसोसिएशन, वो आप पढ़ के आए हो अच्छे से। जो सॉल्वेंट होते हैं वो खुद में क्या होते हैं, सेल्फ आयनाइज होते हैं,
अरे होते हैं, नहीं होते, पानी H3O प्लस OH माइनस में डिसोशिएट करता है, ठीक है ना। हेडिंग क्या हो गया आपकी, स्वतः आयनन। आपकी जो हेडिंग होने वाली है वो होगी स्वतः आयनन या वियोजन। सेल्फ आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, सेल्फ आयनाइजेशन और डिसोसिएशन मतलब समझ गए, जो विलायक होता है वो खुद क्या करता है, खुद क्या करता है, आयनाइज हो जाता है। स्वतः ही क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। एग्जांपल H2O, H3O प्लस OH माइनस में NH3, NH4 प्लस NH2 माइनस, HF, H2F प्लस F माइनस। बस ये लिखना, आपको लिखना डेफिनेशन लिख लो। विलायक केणु स्वतः ही धनायन व ऋणायन में कुछ मात्रा में वियोजित अवस्था में रहते हैं। विलायक के अणु स्वतः ही धनायन व ऋणायन में, विलायक के अणु कुछ मात्रा में स्वतः ही धनायन व ऋणायन में, धनायन व ऋणायन में वियोजित अवस्था में रहते हैं, वियोजित अवस्था में रहते हैं। विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का धनायन व ऋणायन में, विलायक के अणुओं का धनायन व ऋणायन में स्वतः वियोजन, विलायक के अणुओं का धनायन व ऋणायन में स्वतः वियोजन क्या कहलाता है, स्वतः आयनन कहलाता है। विलायक के अणुओं का धनायन व ऋणायन में वियोजन स्वतः आयनन कहलाता है, ठीक भाई। विलायक के अणुओं का धनायन व ऋणायन में वियोजन स्वतः आयनन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्वाइस ऑफ H2O क्या बनाएंगे, H3O प्लस प्लस OH माइनस। सिमिलरली ट्वाइस ऑफ NH3 NH4 प्लस प्लस NH2 माइनस। सिमिलरली ट्वाइस ऑफ SO2 SO प्लस 2 प्लस SO3 2 माइनस। ट्वाइस ऑफ HF लिख सकते हो, और कुछ भी जो आपके मन में है, ये H2F प्लस प्लस F माइनस। सिमिलरली ट्वाइस ऑफ एसिटिक एसिड CH3 COOH2 प्लस प्लस। सिमिलरली कुछ भी सर, क्या सर, कुछ भी, हाँ भाई कुछ भी, ये लो, ये क्या है, सेल्फ आयोनाइजेशन। क्या है, सेल्फ आयोनाइजेशन, ठीक है भाई। क्या है आपका, सेल्फ आयोनाइजेशन स्वतः आयनन, ठीक है, लिख लो। देखो एक सॉल्वेंट और देख लो आप, BrF3, ठीक है भाई। ये कैसे आपका आयनाइज होगा, सेल्फ आयनाइज, BrF2 प्लस प्लस PrF4 माइनस। बैठा, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, वेरी गुड। आगे डिंगलो आप, विलायक अपघटन, स्वेतायन के बाद में डिंगलो विलायक अपघटन, सोलवेंट डिकम्पोजिशन, ठीक है, एडिंग डालोगे आप विलायक अपघटन, ठीक है, डालो भाई हेडिंग डालो विलायक अपघटन।
छोटी छोटी हेडिंग है, विलायक अपघटन, सॉल्वेंट डीकंपोजिशन, क्या होता है? कोई भी सॉल्वेंट होता है वो डीकम्पोज कर जाता है, अगर अगर सॉल्वेंट डीकम्पोज कर जाता है तो उसको क्या कहोगे आप? विलायक अपघटन, सॉल्वेंट डीकम्पोजिशन आप उसको कहोगे। ठीक है, डेफिनेशन लिख लो एक बार, एक बार डेफिनेशन इसके आप लिख लो। ध्यान रखना ये जो विलायक अपघटन होगा तो धन अनुऋण आयन बनेंगे, बताया था ना अभी H3O प्लस OH माइनस बन रहे थे, तो जैसे ही जो सॉल्वेंट वो डिकम्पोज करेगा तो उसके रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको? केटायन और एनायन मिलेंगे, धन आयन और ऋण आयन मिलेंगे। अब जनरली जनरली बता रहा हूँ मैं, मोस्ट ऑफ केस में जो एनायन होता है सॉल्वेंट का वो किसी दूसरे के साथ जाके चिपक जाता है, गुटरू गुटरू कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंट का जो एनायन होता है वो किसी दूसरे के साथ जाके चिपक जाता है, उसके साथ एसोसिएट हो जाता है, मोस्ट ऑफ केस में ऐसा होता है। जनरली कई बार केटायन भी जुड़ जाता है किसी के साथ, लेकिन जनरली क्या होता है एनायन जुड़ जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? विलायक अपघटन। जैसे आपने सुन रखा हो जल अपघटन सुन रखा होगा, तो पानी के साथ आपको दूसरा मिला रहे हो, पानी डिकम्पोज हो गया H+ और OH- में, तो OH- जाके दूसरे के साथ जुड़ गया तो उसको आप कहोगे जल अपघटन। ऐसे अगर अमोनिया का NH2- जाके जुड़ रहे हैं, NH4+ NH2- जाके जुड़ रहा है तो उसको क्या कहोगे आप? अमोनी अपघटन, ऐसे कहना है। ठीक है, तो लिखो वह अभिक्रिया जिसमें विलायक के स्वतः आयनन पर उत्पन्न ऋणायन, वह अभिक्रिया जिसमें विलायक के स्वतः आयनन पर उत्पन्न ऋणायन, वह अभिक्रिया जिसमें विलायक के स्वतः आयनन पर उत्पन्न ऋणायन, विलायक के स्वतः आयनन पर उत्पन्न ऋणायन अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान किसी विलेय से जुड़ जाता है, सोल्यूट से जुड़ जाता है, अभिक्रिया के दौरान किसी विलेय से जुड़ जाता है, ध्यान रखना विलायक का ऋणायन, अभिक्रिया के दौरान किसी विलेय से जुड़ जाता है, किसी विलेय से जुड़ जाता है, विलायक अपघटन कहलाता है, विलायक अपघटन कहलाता है। आगे लिखना विलायक अपघटन में सामान्यतः, विलायक अपघटन में सामान्यतः ऋणायन विलेय के साथ जुड़ते हैं, विलायक अपघटन में सामान्यतः ऋणायन, मैंने कहा ना ऋणायन विलेय के साथ जुड़ते हैं। जनरली कौन जुड़ता है? ऋणायन जुड़ता है। कौन जुड़ता है? ऋणायन जुड़ता है। ठीक है, ऋणायन विलेय के साथ जुड़ जाता है, लेकिन कभी कभी, लेकिन कभी कभी विलयन का धन आयन, मैंने कहा ना जनरली कौन जुड़ता है? ऋणायन जुड़ता है। कभी कभी धन आयन भी जुड़ता है और ऋणायन भी जुड़ता है, लेकिन कभी कभी विलयन का धन आयन व ऋणायन दोनों विलेय के साथ जुड़ जाते हैं। विलायक मैंने अपने लिखा विलायक अपघटन में सामान्यतः विलयन का ऋणायन विलेय के साथ जुड़ जाता है, लेकिन कभी कभी विलयन का धनायन व ऋणायन दोनों विलेय के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है भाई, वेरी गुड। आगे लिखोगे, आगे लिखोगे यदि विलायक जल हो, यदि विलायक जल हो, यदि सोलवेंट क्या हो आपका? वाटर हो, तो क्या कहोगे उसको आप? क्या कहोगे? हाइड्रोलाइसिस। अगर अमोनिया हो तो अमोनोलाइसिस। यदि विलायक जल हो तो इसे जल अपघटन, यदि विलायक जल हो तो इसे जल अपघटन, और यदि विलायक अमोनिया हो, और यदि विलायक अमोनिया हो तो इसे अमोनी अपघटन, तो इसे अमोनी अपघटन, तो इसे अमोनी अपघटन, तथा यदि एसिटिक अम्ल हो तो, एसिटिक अम्ल हो तो इसे एसिटिक अपघटन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल SO2Cl2 + 4H2O होगा क्या आपका?
इसको क्या बोलते हो आप, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, क्या बोलते हो इसको, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हो, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, जो SOCl2 होता है उसको थायोनिल क्लोराइड बोलते थे आप, क्या बोलते थे, थायोनिल क्लोराइड। SO2Cl2 को क्या बोलोगे, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सॉरी उसको सल्फोनिल क्लोराइड बोलते थे, इसको सल्फ्यूरिल, क्या बोलोगे इसको, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है। ये आपका क्या है, सोलवेंट है, ये क्या आपका सोलवेंट है। अब इसका सोलवेंट का जो एनायन है वो क्या होगा, OH-, वो क्या होगा OH-, वापस रख जा, ठीक है, वो क्या होगा आपका OH-, इसका एनायन इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या करोगे आप, SO2 OH का ट्वाइस प्लस ट्वाइस ऑफ Cl- प्लस, क्या बचा देखो, क्या बचा, हाँ दो तो OH बच गए, ठीक है, दो क्या बच गए, OH बच गए, दो तो HCl निकल जाएंगे यहाँ से बाहर, क्या होगा, हाँ दो Cl बन गए और दो क्या बन गए, H3O+, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो विलायक का NN ऐड हो रहा है, तो क्या कोई इस प्रोसेस को क्या कहोगे आप, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन, क्या कहने वाले उसको, जल अपघटन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल और देखोगे, इसकी रिएक्शन किससे करवा दोगे, अमोनिया से करवा देना, किससे करवा देना, अमोनिया से करवा देना, लिख लो भाई, SO2Cl2 प्लस 4NH3 क्या होगा, SO2 NH2 का ट्वाइस, देखो N9, अरे NH3 कैसे आयोनाइज होता था, NH4+ NH2-, क्या बन जाएंगे आपके, ट्वाइस ऑफ NH4+ ट्वाइस ऑफ Cl-, इसको क्या कहोगे, अमोनोलाइसिस, अमोनिया अपघटन, ठीक है, क्या कहोगे इसको आप, अमोनी अपघटन आप इसको कह दोगे, बैठा दिमाग में, बैठ गया, बहुत बढ़िया, छाप लो इसको। ये आपका हो गया विलायक अपघटन, बैठ गया होगा अब तो। नेक्स्ट लिखो विलायकन, अगला लिखो विलायकन सोलवेशन, अब ये तो बैठ गया रहा आपका, आ जाना चाहिए अब तो, अब आ जाना चाहिए भाई, सोलवेशन, क्या कहते हो, विलायकन, क्या होता है सोलवेशन, अगर सोलवेंट का मॉलिक्यूल किसी आयन के साथ चिपक जाता है तो उसे क्या कहते हो आप, सोलवेशन कहते हो। फॉर एग्जांपल सोलवेंट ग्रुप में आपके पास पानी है, सोलवेंट ग्रुप में कौन, आपके पास पानी है, ठीक है, और आपने उसमें क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। अब जो Na+ होता है आपका, ठीक है, वो आयन है, और उस Na+ के ऊपर अगर H2O के मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं, पानी के मॉलिक्यूल अगर चिपक जाते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अगर चिपक जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहोगे आप, सोलवेशन, क्या कहोगे, सोलवेशन। और अगर सोलवेंट आपका वाटर है तो आप उसको कहोगे हाइड्रेशन, क्या कहोगे, हाइड्रेशन। तो आप कहोगे कि जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो चिपक जाते हैं किसके ऊपर, सोल्यूट मॉलिक्यूल के ऊपर, सोलवेंट के मॉलिक्यूल सोल्यूट मॉलिक्यूल के ऊपर चिपक जाते हैं, उसको घेर लेते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सोलवेशन, क्या कहते हो, सोलवेशन। अगर सोलवेंट वाटर होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हो आप, हाइड्रेशन, क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। तो लिखो ये डेफिनेशन, लिख लो बस इतना जरा सा, ये लिखो, विलेय के अणुओं द्वारा विलेय के कणों या आयनों से जुड़ने की प्रक्रिया
कणों या आयनों से जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विलायकन, सोल्वेशन कहलाती है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, किसी विलायक द्वारा, दूसरी टेप से लिख लो, किसी विलायक द्वारा विलेय को घोलने की प्रक्रिया, किसी विलायक द्वारा विलेय को घोलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विलायकन कहलाती है। विलायकन, विलायक के अणु उसके ऊपर चिपक गए, चारों तरफ उसको घेर लिया, विलायकन हो गया, उसका सोल्वेशन हो गया। तो विलायक द्वारा विलेय के अणुओं को घोलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विलायकन कहलाती है। ठीक है, आगे लिखना, यदि विलायक जल हो तो यह प्रक्रिया, यदि विलायक जल हो तो यह प्रक्रिया जलयोजन, यदि विलायक जल हो, यदि विलायक जल हो तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जलयोजन, हाइड्रेशन। यदि विलायक जल हो तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जलयोजन कहलाती है, हाइड्रेशन कहलाती है। और अगर अमोनिया हो तो अमोनियोजन लिख लो, हाइड्रेशन कहलाती है। नेक्स्ट लाइन लिख लो, यदि विलायक अमोनिया हो तो यह प्रक्रिया अमोनीकरण, यदि विलायक अमोनिया हो तो यह प्रक्रिया अमोनीकरण, और यदि विलायक, और यदि विलायक एल्कोहल हो तो, और यदि विलायक एल्कोहल हो तो एल्कोलीकरण। ठीक है, और यदि विलायक एल्कोहल हो तो यह प्रक्रिया एल्कोलीकरण कहलाती है। तो ये आपके जनरल टर्म्स थे, वो खत्म हो गई है। तो आपके पास दो नॉन एक्वस सॉल्वेंट अपन पढ़ने वाले हैं, एक तो अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, एक सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो ही सॉल्वेंट पढ़ेंगे, आपके दो ही दे रखे हैं, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो, अब आप हेडिंग डाल दो, ए जलीय विलायक। हेडिंग क्या डालोगे आप? ए जलीय विलायक। ये बेसिक बेसिक टर्म्स थी, वो मैंने आपको बता दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एक तो प्रोटोन एफिनिटी, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटोन एफिनिटी। वैसे तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ईजी भी है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? प्रोटोन एफिनिटी, प्रोटोन बंधुता। वहीं से क्वेश्चन आते हैं कि जो आपका पढ़ा था ना आपने एसीटेमाइड है, उसमें तो ये एसिड की तरह भी करता है, दूसरे में ये बेस की तरह भी करता है, एक में स्ट्रॉन्ग की तरह, एक में वीक की तरह, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं ए जलीय विलायक। इतनी देर तो बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? ए जलीय विलायक। ठीक है भाई, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट दो थे, कौन कौन से? लिक्विड अमोनिया और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो अपने को क्या पढ़ने हैं? नॉन एक्वस सॉल्वेंट पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ना है लिक्विड अमोनिया, उसके बाद में पढ़ना आपको सल्फर डाइऑक्साइड। कुछ नहीं पढ़ना, वो भी बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो इनका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि लिक्विड अमोनिया होता क्या है, उसके बाद में अपने को इनका पढ़ना है स्पेसिक प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, जैसे इसका डाइपोल मोमेंट, विस्कोसिटी, जो पीछे अपन पढ़ के आराम से आ चुके हैं, बोलो पढ़ के आए नहीं है? द्विध्रुवा गुण पढ़ के आए हैं, विस्कोसिटी पढ़ के आए हैं, श्यानता पढ़ के आए हैं, और आप पढ़ के आए हो इसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ के आए हो, तो ये पॉइंट्स अपन पढ़ेंगे। फिर इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ने, ठीक है, आपने ये भी पढ़ा है ना विस्कोसिटी के आधार पे कौन कौन सी क्रिस्टलीकरण, छन्नीकरण और आपका क्रिस्टलाइजेशन, अवक्षेपण, ये भी क्रियाएं आसानी से संपन्न होती है जिसकी विस्कोसिटी कम होती है, तो इसकी तो बहुत कम होती है, 0.254 पॉइज़ होती है अमोनिया की, तो पानी की तो एक होती थी, इसकी कितनी होती है? 0.254 पॉइज़। तो ये कंपेरिजन अपने को पढ़ना है, अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन, अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन SP3 होता है, इसकी ज्योमेट्री पिरामिडीय होती है, बंद कोण 107 डिग्री होता है, होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, होता है 160 डिग्री का, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? बंद कोण 107 डिग्री का हो जाता है, इसमें द्विध्रुवा गुण पाया जाता है। ठीक है,
आपको ये भी पता होना चाहिए NH3 का द्विध्रुवीय गुण NH3 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज इनकी पढ़नी है। इसका डाइपोल मोमेंट 1448 डीबाई होता है, 1.48 डीबाई होता है, पढ़ रखा है ना। इसकी विस्कोसिटी कितनी होती है, 0.254 पाइज होती है, ये पढ़ रखा आपने। इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, इसके मेल्टिंग पॉइंट माइनस का 77 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट माइनस का 30 डिग्री सेंटीग्रेड, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट माइनस का 77, मेल्टिंग पॉइंट माइनस का 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर बहुत कम होती है, तो यहाँ पर रिएक्शन बहुत कम होगी। वाटर से थोड़ा कम बेटर सॉल्वेंट है, लेकिन विस्कोसिटी के बेस पे वाटर से ज़्यादा बेटर सॉल्वेंट है। फिर अपन इसकी केमिकल रिएक्शन दो चार पढ़ लेंगे, जो आपने पढ़ा ना पीछे, अमोनोलाइसिस अमोनीकरण प्रक्रिया और सोलवेशन अमोनीकरण, ठीक है। तो अमोनेशन, ये अपने को दो तीन रिएक्शन पढ़नी है, फिर ये खत्म हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही SO2 अपने को पढ़ना है। तो देखो हेडिंग डालोगे आप द्रव अमोनिया, सबसे पहली हेडिंग आप डालने जा रहे हो द्रव अमोनिया, ठीक भाई, ये रहा लिक्विड अमोनिया। देखो भाई, जो नाइट्रोजन होता है, एक बात वो ध्यान रखना भाई, जो द्रव अमोनिया के विलयन होता है ना, ये आपकी आयनिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन दोनों टाइप की कंडक्टेंस शो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसका जो लिक्विड अमोनिया का जो सॉल्यूशन होता है ना, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये दो टाइप की कंडक्टेंस शो करता है, पार्शियली आयनिक कंडक्टेंस और पार्शियली ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। और रिएक्शन भी लिख के बताऊंगा मैं आपको, सब कुछ देखूंगा। NH3 होते हैं ना, इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, SP3 होता है। ज्योमेट्री क्या होती है इसकी, टेट्राहेड्रल होती है। तो इसकी शेप क्या होती है, पैरामिडल होती है, पैरामिडल। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 107 डिग्री, ठीक है। और इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है, म्यू इज इक्वल टू 1.48 टीबाई। देखो ये आपका कौन हो गया, अमोनिया। इसकी जो ये तो ज्योमेट्री है भाई, ध्यान रखना, ये तो ज्योमेट्री है, और ये क्या है, इसकी शेप है। ये क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है, इसका नाइट्रोजन एटम का। और ये क्या है, इसका बॉन्ड एंगल है। ये क्या है, इसका डाइपोल मोमेंट है। और लिखना चाहो तो और लिख लो, नेटा इज इक्वल टू इसका होता है 0.254 मिलीफोज। ये क्या है, इसकी विस्कोसिटी, क्या है इसकी विस्कोसिटी। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 22। ये क्या है, इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक भाई। ये लो पूरा सब कुछ मैंने लिख दिया, अब इन्हीं के बारे में अपने को यहाँ पर डिस्कस करना है, इन्हीं के बारे में अपने को डिस्कस करना है। ये तो ये जो सार है ना, ये सार आप एक लाइन में लिख लोगे, फिर अपन एक एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, SP3, और ये बॉन्ड एंगल कितना होता है, 107 डिग्री, ठीक है भाई। और यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। दूसरा देख लो, और फोटो देख लो इसके, आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है, तो इस बॉन्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इस तरफ आएगा, इसका इधर और इसका इधर, किसका, डाइपोल मोमेंट का, ठीक है। और लोन पेयर के कारण ऊपर से जाएगा, और इन सब का जो रिजल्टेंट है वो ऊपर जाएगा। ये क्या है, रिजल्टेंट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कैसा होता है, पोलर होता है। ये कैसा होता है, म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, सो पोलर,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट होती है। देखो टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मीटर होना चाहिए ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज फ्रॉम 109 डिग्री 28 मिनट टू 107 डिग्री, ठीक है भाई, 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर कितना हो जाता है 107 डिग्री हो जाता है ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। बैठा गया दिमाग में। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, देख लो, वो भी देख लो आप, दिख रहा है ना, तो नहीं दिखेगा, चलो यहाँ देख लो हाइब्रिडाइजेशन देख लो भाई। जो नाइट्रोजन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 7 होता है इसका, 1s2 2s2 2p3। वैलेंस शेल की अपन बात करते हैं, ये 2s है ये 2p3 है, ठीक है भाई। अब आप चाहो तो आराम से दिखा सकते हो कि जो तीन हाइड्रोजन हो इन तीनों से एक एक के साथ बॉन्ड बना लेंगे और ये आपका लोन पेयर सेफ रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्योर एस में लोन पेयर नहीं होता, ध्यान रखना यहाँ पे जो लोन पेयर है वो प्योर एस में नहीं होता है, ये प्योर एस है आपका, ये क्या है 2s है और ये क्या है 2p है, तो ये लोन पेयर ही है। लेकिन नाइट्रोजन का लोन पेयर प्योर एस ऑर्बिटल में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है, तो ये सब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स, इंटरमिक्स, और क्या देंगे आपको यहाँ से ये 4, देखो 4 हो गया क्या, 3p और 1s, तो क्या हो गए 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन देख लो इस टाइप से हैं। अब आप चिपका लो आगे, सॉरी इसको देखो ऐसे बना लो, ये लो ये भी आपका sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी क्या है sp3, एक में 2 इलेक्ट्रॉन है बाकी 3 में क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बीच में कौन आपका नाइट्रोजन बैठा है और ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, सिमिलरली हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन 1s, हाइड्रोजन के पास एक ही होता है 1s, ऐसे यहाँ भी ऐसे ही होगा, हाइड्रोजन उसका एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो कुल टाइप से ये लोन पेयर अगर वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर को शेप में कंसिडर नहीं करते तो आपको वी शेप दिखेगा, सॉरी कैसे दिखेगा आपको, पैरामिडल शेप दिखेगा, कैसे दिखेगा पैरामिडल दिखेगा, ठीक है। आप बना सकते हो ये वाली फ़ोटो, बना सकते हो आप आगे ये वाली फ़ोटो आप बना सकते हो। ध्यान रखना भाई जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है वो कौन से ऑर्बिटल में पाया जाता है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है, नॉट प्योर s ऑर्बिटल। नाइट्रोजन का लोन पेयर किस में एग्जिस्ट करता है, sp3 ऑर्बिटल में रहता है, किस में नहीं रहता, शुद्ध s ऑर्बिटल में नहीं रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ आपको, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें, ध्यान रखना, कंपटीशन एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो इतना आपको जो बोर्ड में मैंने लिखा है वो समझ में आ गया क्या, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अपने को क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है, ये तो आपको याद ही होना चाहिए भाई, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अबाउट लिक्विड अमोनिया, सब कुछ इम्पोर्टेंट लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी ये मैंने सार लिख दिया, इसका पूरा कंक्लूजन यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, चिपकाओ इसको और फिर आगे लिखते जाओ, लिख लो अब दो चार बातें तो बातें बता देता हूँ इसके बारे में। लिखना द्रव अमोनिया में पहले लिखना संरचना, पहले लिखना संरचना स्ट्रक्चर, बाद में बना लेना चाहो तो, पहले चाहो तो बना लो, मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूँ, देखो
NH3 में नाइट्रोजन परमाणु NH3 में नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरित होता है NH3 में नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरित होता है जिसके जिसके तीन sp3 संकरित कक्षक जिसके तीन sp3 संकरित कक्षक हाइड्रोजन के 1s हाइड्रोजन के 1s कक्षों के साथ अतिव्यापन करके हाइड्रोजन के 1s कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके तीन सिग्मा बंध बना लेते हैं। ये रे एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा। नाइट्रोजन के तीन sp3 संकरित कक्षक हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ अतिव्यापन करके तीन सिग्मा बंध बना लेते हैं, जबकि चौथे sp3 संकरित कक्षक में एक लोन पेयर मतलब अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहता है। चौथे संकरित sp3 कक्षक में एक अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर उपस्थित रहता है। लिख लिया, बहुत बढ़िया। आगे लिखना, जिसके कारण लोन पेयर उपस्थित रहता है, जिसके कारण NH3 की ज्यामिति चतुष्फलकीय से विकृत होकर टेट्राहेड्रल से डिस्टोर्टेड होकर पिरामिडीय रह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखना। NH3 में sp3 संकरण का बंध कोण होना चाहिए, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म में लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण के कारण यह घटकर 107 डिग्री रह जाता है, और पानी में तो 104 डिग्री हो जाता है। पानी में कितना हो जाता है, 104। वहाँ पे ज़्यादा लोन पेयर, दो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होते हैं, यहाँ पे एक होता है। ठीक है, घटकर 107 डिग्री रह जाता है। ठीक है भाई, वेरी गुड। फोटो बना लो। आगे लिखो पॉइंट नंबर दो। पहले लिखा आपने स्ट्रक्चर, सेकंड लिखो द्विध्रुव आघूर्ण, दूसरा पॉइंट लिखोगे आप द्विध्रुव आघूर्ण। कितना होता है द्विध्रुव आघूर्ण, 1.48 डिवाई। पढ़ रखा है अपन ने, तो लिख लो भाई। अमोनिया का द्विध्रुव आघूर्ण 1.48 डिवाई होता है। जो कि जल की तुलना में जल का क्वेश्चन लिख रहा हूँ 1.84 वोट के लिए लिख रहा 1.84 डिवाई जो कि जल की तुलना में कम होता है आगे आप लिखना। अतः आयनिक यौगिकों के लिए द्रव अमोनिया एक अच्छा विलायक है, आपको पता है क्या होता है, जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी उसकी क्या होगी, जो पोलर सॉल्वेंट उसमें उसकी जो विलेयता होगी, सॉल्युबिलिटी होगी, वो ज़्यादा होगी। आपके पास कोई सॉल्वेंट है जो पोलर है, पानी पोलर है, और आपको उसमें जो कोई मिला रहे हो, दूसरा सब्सटेंस मिला रहे हो, वो भी पोलर है, तो आसानी से वो डिजोल्व हो जाएगा। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर होते हैं, आपको पता है। अरे NaCl आयनिक है, Na+Cl- वो पोलर ही तो है, दो पोल बन रहे हैं वहाँ पे, डाईपोल बन रहा है, प्लस और माइनस। ठीक है,
वो क्या है, पोलर है। तो होगा क्या कि जो अमोनिया है इसका डाइपोल मोमेंट होता है 1.480 बाई, हालांकि पानी से कम है, तो जो आयनिक सॉल्वेंट होते हैं ना वहाँ पे उसकी उनकी विलयता अच्छी खासी होती है। लेकिन जैसे जैसे आयनिक विलायकों में सहसियों से गुण बढ़ते जाते हैं, विलयता थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है, ज़्यादा नहीं थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, क्योंकि इसकी डाइपोल मोमेंट कम है ना, इस वजह से अगर डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता तो विलयता घट जाती है सहसियों यौगिकों की। लिखना आयनिक यौगिकों में, एक मिनट लिख लो। आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक गुण, आयनिक यौगिकों में जैसे जैसे सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं उनकी द्रव अमोनिया में विलयता, क्या होती जाती है बढ़ती जाती है, उनकी द्रव अमोनिया में विलयता बढ़ती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक पढ़ रखा है आपने, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, माइनस का 70 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वथनांक कितना होता है, माइनस का 22 डिग्री सेंटीग्रेड। लिखना द्रव अमोनिया का गलनांक माइनस का 77 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक माइनस का 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द्रव अमोनिया का गलनांक माइनस का 77 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी लिख लो भाई, मेल्टिंग पॉइंट माइनस का 77 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट माइनस का 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी पहले भूल गया था मैं, अब लिख लो द्रव अमोनिया का गलनांक माइनस का 77 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक माइनस का 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अतः द्रव अमोनिया को विलायक के रूप में अत्यंत निम्न ताप पर उपयोग किया जा सकता है, बहुत ही कम ताप पर उपयोग किया जा सकता है इसको विलायक के रूप में। अतः द्रव अमोनिया को विलायक के रूप में अत्यंत निम्न ताप पर उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, आगे लिखना एवं इसमें वे ही अभिक्रियाएं संपन्न करवाई जा सकती है, इसमें वे ही अभिक्रियाएं संपन्न करवाई जा सकती है पेट जो अत्यंत निम्न ताप पर होती है। इसलिए सामान्यतः कमरे के ताप पर